फ्री था, गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया, एसपीओ वो काम नहीं कर रहे थे। सर तो कब तक चालू है सर, कुछ आपको पता है? अब तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, वो काम नहीं करेगा तो। सो हेलो गेमर्स, तो कैसे आप लोग, स्वागत है आप सभी का एक और इवेंट फ्रेश वीडियो विश्वेश टाइप है यूट्यूब चैनल पे। अब देखो गाइस, आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि फ्री फायर जो है प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर से गायब हो चुका है, ठीक है। तो सबके मन में ये चल रहा कि क्या फ्री फायर बैन हो गया एंड किन कारणों से बैन हुआ, क्योंकि गाइस आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले एप्पल स्टोर से गायब हुआ, ठीक है, मतलब कि सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए मतलब गायब हुआ था। उसके बाद गाइस देखते ही देखते क्या हुआ, एंड्रॉयड वालों मतलब कि प्ले स्टोर से भी गायब हो गया, ठीक है। अगर आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ना ही एप्पल स्टोर में मिलेगा ना ही प्ले स्टोर में मिलेगा, ठीक है। और गाइस साथ ही साथ आप सभी को एक बात बता दूं, 11 तारीख के रात को 10:30 बजे से, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आया था नेटवर्क कनेक्शन एरर का, ठीक है। एंड कहने में ये आ रहा है कि मतलब ये सिर्फ एप्पल मतलब कि सॉरी गाइस एयरटेल वालों का हुआ था, ठीक है, मतलब कि गाइस जो एयरटेल के सिम यूज करते हैं उनका नेटवर्क कनेक्शन एरर आएगा। ऐसा क्यों गाइस, क्योंकि गाइस अगर आप लोग मतलब कि एयरटेल के कस्टमर केयर को कॉल करोगे आप लोग, तो उनसे अगर आप लोग पूछोगे कि भाई क्यों नहीं मतलब कि फ्री फायर हमारा चल नहीं रहा इस सिम से, ठीक है, तो गाइस उन लोगों का कहना ये है कि गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, ठीक है, एंड ये नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग इधर रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में सुने होंगे, एक बार और आप लोग सुन लो। फ्री फायर गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया, एसपीओ वो काम नहीं कर रहे थे। सर तो कब तक चालू है सर, कुछ आपको पता है? अब तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, अब वो काम नहीं करेगा। जी हाँ गाइस, आपने ये रिकॉर्डिंग तो सुन लिया, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सिर्फ एयरटेल का बैन थोड़ी हुआ है, हमारा भी नहीं चल रहा, तो जी हाँ गाइस मैं भी वही बोल रहा हूँ। हम मेरा मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर आप लोग स्क्रॉल करके मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, मेरा वाईफाई है एंड मैं वाईफाई से कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी मेरा की मतलब लिख के आ रहा है नेटवर्क कनेक्शन एरर, ठीक है, एंड लॉग इन ही नहीं हो रहा है। एंड ये चीज आपको पता होगा क्योंकि मैंने बहुत ही मतलब कि दो वीडियो बनाया एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि मतलब डेली वीडियो बना रहे हैं इसको सॉल्व करें। लेकिन गाइस मेरे को भी यही लगा था कि ये गेटिना का टेक्निकल इश्यू हो सकता है, उसको जल्दी वो लोग ठीक कर देंगे एंड मैंने वीडियो में भी यही बोला था। लेकिन गाइस इधर अलग ही सीन लिखा, ठीक है, मतलब कि इधर गवर्नमेंट इसको बैन कर रहा है एंड गाइस ये सिर्फ एयरटेल के सिम को नहीं हुआ, ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ एयरटेल के सिम को बैन किया गया है। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, इधर आप लोग देख सकते हो वाईफाई से भी नहीं खुल रहा है एंड बहुत सारे सिम्स है मतलब कि कभी कभी खुल रहा है कभी नहीं खुल रहा, तो मतलब कि इसको मतलब कि ट्राई किया जा रहा है कि इंडिया से बैन ही किया जाए। एंड ये क्यों हो रहा है वो आप सभी को बताता हूँ। आप सभी को याद होगा कि गाइस मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत दिन पहले कि क्रैप्टन मतलब कि पबजी के ऑनर ने मतलब केस कर दिया गेरिना पे, ठीक है, एंड वो किस चीज का कि कॉपी पेस्ट का, मतलब कि फ्री फायर जो है पबजी का कॉपी है, ठीक है, आप सभी को याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था एंड उसमें उन लोगों ने 108 पेज में मतलब कि केस फाइल किया था। एंड गाइस गेम में ये हमारा जो भी चीज दिख रहा है ना, मतलब कि ये धरती आसमान गन मतलब कि कैरेक्टर हर चीज को उन लोगों ने बताया था कि कॉपी है, जो कि सरासर फेक न्यूज था, ठीक है, मतलब फेक मतलब उन लोगों ने एलिगेशन या फिर आप लोग जो भी बोलो बिल्कुल फेक इन पे मतलब केस फाइल किया था, ठीक है। एंड गाइस जिन लोगों ने जो केस फाइल किया था वो मतलब कि एप्पल स्टोर पे प्ले स्टोर पे हर चीज पे किया था, ठीक है, एंड गेरिना पे भी किया था, आप सभी को याद होगा। तो गाइस उस चीज को लेके एप्पल स्टोर उस टाइम सीरियस नहीं हुआ था, लेकिन गाइस शायद से अभी सीरियस हो चुका है एंड इसी कारण उसने अपने मतलब कि उधर से रिमूव कर दिया फ्री फायर को, ठीक है, एंड उसके साथ साथ एंड्रॉयड मतलब कि ये जो होता है ना प्ले स्टोर इधर से भी अभी रिमूव हो चुका है। एंड गाइस अगर आपके मन में ये चल रहा है कि फ्री फायर शायद से बैन हो गया या फिर अभी जल्दी से हमारे फोन से भी रिमूव हो जाएगा, तो गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड बाय चांस मानो कि अगर बैन भी हो जाता है फ्री फायर ना, तो गाइस ये मतलब इसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, अपने गेम को मतलब कि अपने गेम का नेम चेंज करके कोई और ही नेम से मतलब कि वापस से भेज देगा हमारे कंट्री में, तो उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर गेम कल को बैन भी हो जाता है ना, तो मतलब कि मतलब फिर से वापस आएगा, ठीक है, मतलब कि ये सब वही रहेगा जैसे आप लोग कैरेक्टर गन स्किन हर चीज देख रहे हो, सब वही रहेगा, आपका आईडी भी वही रहेगा शायद से, लेकिन गाइज उसका नेम बस चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइज। आप लोग ये मत सोचना कि मेरा गेम बैन हो गया या फिर अब क्या होगा, तो गाइज अगर गेम बैन भी हो जाता है ना तो वापस आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि पबजी वालों ने बीजीएमआई नाम रख के वापस ला दिया था, वैसे ही गाइज हमारे गेम का भी ऐसे ही होगा, ठीक है, अगर बैन हो जाता है तो। लेकिन गाइज अभी देखना ये कि क्या ये बैन हुआ है या फिर टेक्निकल इशू है या फिर क्या है गाइज, ठीक है। एंड गाइज एक चीज बता दूं, पबजी वाले बहुत ज्यादा उछल रहे हैं अभी, ठीक है, मतलब कि वो लोगों को पता नहीं हमारे गेम से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, हर जगह जाके देखोगे कमेंट सेक्शन में वीडियोज में तो बैन होना ही था, कॉपी पेस्ट है ये वो, मतलब कि बहुत ज्यादा बक रहा है, ठीक है। मैंने 2-3 यूट्यूबर्स का कमेंट सेक्शन एंड जो न्यूज वाले होते हैं ना जो कवर किए हैं इसको, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स वाले न्यूज वाले, उसमें मतलब कि बहुत ही ज्यादा इधर बुरा भला बोला जा रहा है हमारे गेम को, तो गाइस उनके लिए थोड़ा सा दो शब्द आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला इस वीडियो में। इनका एक चीज बता दूं, उनकी जल्दी
ये तो हमेशा जलती ही रहेगी। एंड गाइस अभी हम लोग बात करें क्रैप्टन के केस पे, ठीक है। तो उन लोगों ने बिल्कुल फेक, मतलब कि हर एक चीज फेक, मतलब उसमें फाइल किया था, ठीक है। मतलब कि जो भी आप लोग बोलो वो लॉसूट था, एंड मतलब कि गाइस 108 पेज में था, ठीक है। फ्री फायर के अगेंस्ट मतलब क्या क्या उन लोगों ने बोला था उसमें, एंड आपको एक दो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया, बोला था उन लोगों ने कि जैसे प्लेन है वो भी कॉपी है, पेन वगैरह जो भी आता है गेम में सब कुछ मतलब उनका मतलब कि कॉपी था, ठीक है। एंड उनको एक चीज बता देना गाइस, अगर बैटल ग्राउंड गेम बिना गन के रहेगा तो कैसा लगेगा, उनसे पूछना। अगर उसमें प्लेन ना हो, ठीक है, मानो कि बैटल ग्राउंड गेम होता है उसमें प्लेन ही ना हो, या फिर मतलब कि इधर गन स्किन वगैरह मतलब गन ना हो या फिर कैरेक्टर ना हो, तो वो मतलब बैटल ग्राउंड गेम कैसा कहलाएगा, ठीक है। और इसको मतलब कि इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, बट उनको तो बस कॉपी बोलना है, ठीक है। सो गाइस तो उनकी जली इसलिए क्यों गाइस, मतलब कि फ्री फायर आप लोगों ने देखा कैसे तरक्की किया, मतलब कितना ज्यादा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक किया, हर एक चीज मतलब बनाते गया न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह, तो इसलिए गाइस उनकी जल गई, ठीक है। सो गाइस तो अगर आपके मन में चल रहा है कि फ्री फायर शायद से बैन हो जाएगा, तो गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। पहले तो बैन होगा नहीं, क्योंकि मतलब फ्री फायर वालों के पास बहुत पैसा है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर सरकार भी खरीद सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, फ्री फायर बैन नहीं होगा, अगर होगा भी तो उनका मतलब उनके पास बहुत पैसा है, गेम को नया नेम दे के वापस से ला देंगे हमारे देश में, तो गाइस गेम तो खेल सकते हैं हम लोग बिल्कुल मस्त है। एंड अभी तो मतलब कि अगर आपका लॉग इन हो जाता है तो खेल भी पा रहे हैं हम लोग। एंड गाइस दिक्कत यही आ रहा है कि मतलब कि नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। एंड गाइस ऐसा मतलब कि बोला जा रहा है कि सिर्फ मतलब एयरटेल के सिम को किया गया, लेकिन गाइस अगर आप लोग वाईफाई या फिर मतलब कि आइडिया जियो कोई भी ट्राई करोगे तो जल्दी लॉग इन नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड मतलब कि ज्यादातर लॉग इन नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि गाइस मैं वाईफाई है मेरे पास, मैं पीसी में या फिर इधर ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है। लेकिन गाइस अगर आप लोग वीपीएन डाउनलोड करते हो, ठीक है, एक कोई भी वीपीएन डाउनलोड कर लो एंड उसको कनेक्ट कर लो, ठीक है, एंड उसके बाद गाइस आपका गेम चलने लगेगा, ठीक है। मैंने भी किया वैसे ही, सारे बंदे खेल रहे हैं अभी के डेट में। एंड आप लोग का भी अगर गेम नहीं चल रहा है तो कोई सा भी एक वीपीएन डाउनलोड कर लो एंड उसके बाद उसको कनेक्ट करके गेम खेलना स्टार्ट करो, आपका चलेगा। एंड गाइस अगर आपको चाहिए वीपीएन का कोई भी मतलब वीडियो, ठीक है, जैसे कि मैं कैसे कनेक्ट करके खेल पा रहा हूं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना, मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एंड गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके बता सकते हो, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सबके मैसेज का रिप्लाई देता रहता हूँ, आप सभी को पता होगा जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है पहले से। एंड गाइस उधर कोई भी दिक्कत होता है या फिर आपको कुछ भी जानना है मेरे से, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ गाइस अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। तो गाइस खत्म करता हूं आज की मजदूरी, यहीं पे मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।